वेलकम टू अमना ऑन मूवीज। मनोज बाजपेयी बॉलीवुड की उन कलाकारों में से एक है जो हिट या फ्लॉप होने की चिंता किए बगैर अपना काम करते हैं। That my career is made out of flops. इस वीडियो में हम आपको मनोज के बारे में कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट ऑन द 20 फैक्ट्स। नंबर 1, मनोज बाजपेयी बिहार के एक गांव में अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के साथ रहते थे। पिता एक फार्मर और उनकी माँ हाउसवाइफ थी। उनकी लाइफ बहुत सिंपल थी। नंबर 2, मनोज बाजपेयी ने एक टीवी शो में बताया कि वो चौथी या पांचवी कक्षा में थे जब उन्हें पता चल गया था कि उन्हें क्या बनना है। इसे पता चलता है कि उन्हें एक्टिंग का शौक बचपन में ही था। कुछ बोल मत। एक बार ही मौका। नंबर 3, स्कूल स्टडी के बाद वो 17 साल की आयु में दिल्ली चले गए, बट वहाँ पर 3-4 इयर्स तक थिएटर के लिए नेशनल थिएटर कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने थिएटर को नहीं छोड़ा। नंबर 4, मनोज बाजपेयी ने पहली बार डायरेक्टर बैरी जॉन के साथ काम किया। इसके लिए मनोज को वनडे का 1500 मिलता था, लेकिन 10 साल के बाद दिल्ली में एक मुकाम जरूर बन गया था जिसके चलते वो आज सक्सेस हुए। नंबर 5, मनोज की बहुत सी फिल्में हिट और फ्लॉप रही, बट वो अपने आप को मानते हैं कि उन्होंने अपना करियर फ्लॉप फिल्मों से बनाया है। That my career is made out of flops. नंबर 6, मनोज बाजपेयी ने पहली शादी दिल्ली की एक लड़की के साथ की थी जो 2 मंथ्स में ही टूट गई। इसके बाद 2006 में बॉलीवुड एक्ट्रेस शबाना रजा यानी नेहा से शादी की। अब उसकी एक बेटी भी है। नंबर 7, मनोज की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया। मनोज की पहली हिट मूवी थी सत्या, जिसे डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने कास्टिंग किया। सत्या मूवी 1998 में रिलीज हुई। इस मूवी में हम मनोज को भीकू महात्रे के रोल में देखते हैं। सत्या मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था और मनोज को अचीवमेंट्स बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। नंबर 8, 2003 में पिंजर मूवी रिलीज हुई थी, इसके लिए स्पेशल नेशनल अवार्ड मिला। नंबर 9, मनोज बाजपेयी ने राजनीति मूवी की है जिसमें उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा रहा, ऑडियंस को बहुत पसंद आया, जिसके चलते सबको लगने लगा मनोज जी को रियल लाइफ में राजनीति पसंद है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बताते हैं कि वो राजनीति की बारीकियां तक कुछ भी नहीं जानते। नंबर 10, 2011 में मूवी शूल में समर प्रताप सिंह का किरदार निभाया, जिनके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिला। मजाक किया गया था क्या हमारे साथ? नंबर 11, 2012 में गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म में मनोज सरदार खान के किरदार में दिखे। इस मूवी में ऑडियंस ने मनोज को बहुत पसंद और अप्रिशिएट भी किया। नंबर 12, 2 बार जीत चुके नेशनल अवार्ड विनर मनोज बाजपेयी ने पद्मश्री और इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी जीता 2019 में। मनोज को ऑनर्ड किया गया फील्ड ऑफ आर्ट सिनेमा में उनकी बेहतरीन एक्टिंग और रोल्स जो बखूबी निभाते आ रहे हैं 20 इयर्स के करियर में। दिस इज द डे 24 इयर्स बैक, ओनली फॉर दिस डे वी बीन फाइटिंग। नंबर 13, सत्या मूवी के बाद मनोज को बहुत लाइक अप्रिशिएट किया गया, जिसकी वजह से उन्हें बहुत अच्छे रोल मिलने स्टार्ट हो गए। उन्होंने वीर जारा, सत्याग्रह, गैंग्स ऑफ वासेपुर और भी मूवीज है जिसको ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। नंबर 14, मनोज बाजपेयी ने 4 इयर्स में वेस्ट बंगाल में सेमी क्लासिकल डांस भी सीखा। उनकी अच्छी एक्टिंग भी है और साथ में डांस भी। नंबर 15, मनोज की लाइफ से इंस्पायर होकर बहुत से एक्ट्रेस ने अपनी लाइफ में ग्रो और करियर को स्टार्ट किया। उनमें से एक है पंकज त्रिपाठी जी। मनोज को 27 इयर्स से भी ज्यादा वक्त हो चुका है इंडस्ट्री में आए हुए। नंबर 16, 2019 में फैमिली मैन वेब सीरीज आई थी जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया। हम इसमें मनोज को श्रीकांत के कैरेक्टर में देखते हैं। इस शो को एक एजेंट की लाइफ को समझने के लिए बनाया गया है। प्रार्थना कर कि मुझे कुछ ना हो। नंबर 17, मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में बताया कि द फैमिली मैन 1 में उनका जो नेचर दिखाया गया है रियल लाइफ से काफी मिलता जुलता है। हम हमेशा कहती रहती हूँ
बात नहीं करते। नंबर 18, द फैमिली मैन वेब सीरीज में मनोज वाजपेयी एक जासूस एजेंट के रूप में मल्टीटास्किंग करते नजर आ रहे हैं। उनके किरदार के दो अलग अलग पक्ष थे, जो मिडिल क्लास फैमिली का और दूसरा सीक्रेट एजेंट का, जो देश के साथ साथ फैमिली को भी मैनेज करता है। नंबर 19, द फैमिली मैन को इंडिया के अलावा फॉरेन में भी बहुत पसंद किया गया है। इसे इंग्लिश में भी डब किया गया था। नंबर 20, द फैमिली मैन 2 वेब सीरीज को 2 इयर्स के बाद लाया गया है, जिसे पॉजिटिव रिस्पांस मिला, ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। अब वेट रहेगी द फैमिली मैन सीजन 3 की। तो चलिए, दैट्स रैप्ड ऑन दिस वीडियो। आपको रिक्वेस्ट है कमेंट्स और लाइक जरूर करें और हमें बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ आपको और भी अपडेट्स मिला करेगी। तब तक के लिए देखते रहें अमन ऑन मूवीज। हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे जिन्हें आप देखना चाहेंगे।